डॉक्टर संजय पासवान जी बड़ी होता है जब इनको हम लोग सुनते हैं राष्ट्रीय गमन को, तो विशेषकर तो बिहार के एकेडमिशियन के लिए जरूर गर्व का विषय होता है कि एकेडमिशियन एवं पॉलिटिशियंस कहें या पॉलिटिशियन एवं एकेडमिशियन एक विषय कहेगा डिबेट का। हम सब के अभिभावक इतिहास सम्मेलन के अध्यक्ष राजीव सर अभियान और बड़े भाई अविनाश सर पता नहीं क्यों इतनी तारीफ कर रहे थे। तो बात इमीडिएटली मन के अंदर आया कि शायद ये वजह नहीं होगी कि हम लोग बहुत साथ पटना से गुजरे थे, आशीर्वाद में साथ बिताए हैं और शायद कई स्क्रिप्ट में एक साथ रहे होंगे, साथ गुजारियाँ भी साथ की होंगी, इसलिए काफ़ी तारीफ मेरी हो रही थी। विषय मैं अविनाश सर की बात से ही शुरू और सृजन को महिलाएं करती हैं, जन्म को महिलाएं करती हैं, फिर उसका परिवर्तन होता है, सारा इतिहास हर हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री की औकात कहाँ है, सारा इतिहास हर हिस्ट्री है, कौन दावा ही हिस्ट्री का कर रहा है, परिवर्तन तो वहां से होता है। और हम भारत का इतिहास नहीं, भारत मातृभूमि के इतिहास आज का जो विषय अनटोल्ड स्टोरी है, बहुत बातें की जा चुकी होंगी और सेमिनार के खास करके दो दिवसीय सेमिनार के समापन सत्र में अंतिम वक्ता होना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि व्हाट टू स्पीक तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बोला जा चुका है, और टू स्पीक ये प्रॉब्लम कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, नई बातें तो कहना बड़ा मुश्किल है अंतिम वक्ता के लिए। अनटोल्ड स्टोरी, और मैं समझता हूं इस पर बातें हुई होंगी, मैं समझता हूं कि ये सेमिनार का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है और मैं थोड़ा सा इस पर अपना समय दूंगा। यह एक कॉमन परसेप्शन है कि इतिहासकार अतीत की कहानी कहता है, थोड़ा सा इसको विचारिए, कहानी कहीं लिखी नहीं गई है, कहानी कहीं है नहीं, जो इतिहासकार जाता है वहां देखता है, उसको चुराता है और फिर लाकर के ऑडियंस को करता है, बताता है। अतीत की कहानी कहना इतिहासकार का काम नहीं है, अतीत की कहानी को एक्सप्लोर करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, ये इतिहासकार का काम है। मैन्युफैक्चरिंग भी उसी को करना है, एडवर्टाइजिंग भी उसी को करना है। इसलिए इस सेमिनार का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो मैं समझता हूं आयोजकों ने रखा होगा और जो मैं समझ पा रहा हूं वो यही है कि आप अतीत में जाइए, वहां कोई कहानी नहीं है भैया, इतना आसान नहीं है इतिहासकार होना। आप वहां जाइए, कहानी को एक्सप्लोर कीजिए, उसका जो मेथड है, जो मेथडोलॉजी है, सोर्सेस के आधार पर, वेरिफिकेशन के आधार पर, जो भी तमाम तरीके डिसिप्लिन के अंदर है उसके आधार पर उस कहानी की निर्मिति कीजिए, क्रिएशन आपका काम। और जब आप यहां से जाएंगे, जो दो दिन में आपका ओरिएंटेशन हुआ होगा, मैं समझता हूं उसमें काफी आपको मदद मिली होगी, हमें कोई जाकर के रेडीमेड कहानी उठा करके नहीं करनी है, हमें कहानी बनानी है, और वह भी साहित्य की कहानी नहीं, क्योंकि आपकी कहानी जो होगी वह वास्तविकता पर आधारित होगी, आपकी कहानी जो है सोर्सेस पर, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप बहुत ही इमेजिनेशन का सहारा नहीं ले सकते हैं,
बहुत ही श्रम साध्य काम है। और मैं समझता हूँ यदि ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है आपका तो ये सेमिनार की सबसे बेमिसाल सफलता मानी जाएगी। ये मेहनत करना। अब सवाल उठता है कि क्या अब तक, अब अविनाश सर ने सबल्टर्न की बात की, क्या अब तक कॉमन पीपल की बात नहीं हुई? लेकिन जो होना चाहिए था इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रकार के टॉपिक की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनटोल्ड स्टोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरी समझ में तो दो कारण इसके हो सकते हैं। एक तो इतिहास डायनामिक है, गतिशील है, या कोई स्टैटिक सब्जेक्ट तो है नहीं, वरना इतिहास और धर्म ग्रंथ में कोई अंतर नहीं रह जाता। यहाँ नए सोर्सेस हमको मिलते हैं, नए प्रकार से इंटरप्रिटेशन होते हैं और लगातार हम आगे बढ़ते जाते हैं, और इसलिए ये तो रिसर्च का विषय है और ये चलता रहेगा, और यही इतिहास की ब्यूटी है, यही इतिहास को जीवंत बनाए रखता है। तो एक तो ये है कि लगातार हम नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, नई चीजों को ढूंढेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन एक दूसरा कारण भी है, ये माना गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, इसमें कोई असहमति किसी भी पक्ष को नहीं। ये भी कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा अहिंसक आंदोलन रहा। यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए आप, जन आंदोलन तो बड़े व्यापक पैमाने पर रहा भारत का, डेफिनेटली कॉलोसल मास मूवमेंट, अनपैरेलल्ड मूवमेंट तो है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये अहिंसक आंदोलन रहा, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अहिंसक आंदोलन यदि रहा भी तो भारतीयों के परिप्रेक्ष्य से रहा, उन विदेशियों के परिप्रेक्ष्य से नहीं रहा। वो कभी अहिंसक नहीं, देखिए लड़ाई कभी अहिंसक नहीं, हम अहिंसक रहे, ये लड़ाई कभी अहिंसक नहीं रही। जब भी हुआ, जब भी जरूरत पड़ी, उन्होंने हिंसा की, and they used flagrantly the use of violence। आप विश्वास नहीं कर सकते, कई जालियांवालाबाग की घटना पूरे हिंदुस्तान में हुई, एक ही जालियांवालाबाग की घटना हिंदुस्तान में नहीं, कई जालियांवालाबाग की घटना हुई। आपके बिहार में भी तारापुर की घटना आपको याद होगी, 1932, गया में वजीरगंज की घटना, ऐसी कई घटनाएं हुई। उन्होंने हिंसा का जब तब उपयोग किया, दुरुपयोग किया, जब जरूरत पड़ी, वो अहिंसक नहीं रहे, हमारी लड़ाई अहिंसक कभी नहीं। लेकिन यहीं पर क्या सवाल होता है कि ये जानते हुए कि हमारा प्रतिपक्ष हिंसा करेगा, हमारे प्रतिपक्ष में वो नैतिकता का बल नहीं है जो गांधी ने हमें दिया, हमारा प्रतिपक्ष हर तरह का वह सहारा लेगा नैतिक अनैतिक, यह जानते हुए भी असंख्य लोग मैदान में कूदे, ये जानते हुए भी कि इसमें हमारी जाने जा सकती है। फिर भी ऐसी कई घटना जहां लोग, वो कुछ भी नहीं जानते थे, वो किसी विचारधारा को नहीं जानते थे, किसी बड़े इतिहासकार को उन्होंने नहीं सुना था, उन्होंने ऑक्सफोर्ड नहीं पढ़ा था, उन्होंने लास्की को नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं जानते, ये जानते हुए कि हम पर बम बरसाए जाएंगे। ये घटना सोनबरसा जो उत्तरी भागलपुर में है, वहां ऊपर से बहुत लो हाई पर प्लेन जो उनका एयरक्राफ्ट था अंग्रेजों का, वो जा रहा था, वहां कुछ दुकानें थी और लोगों को लगा कि बांस से नीचे से धक्का देने पर वो प्लेन जो है गिर जाए, लोगों ने उसका प्रयास किया और उन पर बम गिरा दिया, ऐसे कई लोग मारे गए। ये जानते हुए भी कि हमारी मृत्यु होगी, इसमें हमें मारा जा सकता है, इसके बावजूद असंख्य लोग घरों से बाहर निकले, अपने जानों का त्याग किया, शहीद हुए, प्राण न्योछावर किए, बिना डरे बिना सहमे,
ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, आज सही मायने में हम सही सही